हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शुभम मिस आपका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल में। शुभम मिस के किचन में एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर दें ताकि आने वाली वीडियो मिस ना। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत ही आसान तरीके से भरवा बैंगन का सब्जी। तो चलिए शुभम मिस के किचन में आज का रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बैंगन को अच्छी तरह से वॉश करके कॉटन से पोंछ ली हूँ। अब मैं सारे बैंगन के ऊपर वाले डंठल को कट कर लूँगी। इसे हाफ में ही कट कर लेना है। सारे बैंगन को इसी तरह से कट कर लेना है। अब मैं बैंगन के बीच में कट करूँगी। दो बार कट करना है, दो साइड से कट करना है। इसी तरह से सभी को कट कर लेना है। आप इसके अंदर देख लें अच्छी तरह से ताकि कीड़ा ना हो। आप देख सकते हैं कीड़ा नहीं है, अच्छी बैंगन है। इसी स्टेप में सारे बैंगन को अब मैं रेडी कर ली हूँ। अब सारे कटे हुए बैंगन को पानी में ऐड करें ताकि अंदर काला ना हो। अब मैं कढ़ाई को गरम कर ली हूँ, लो फ्लेम पे पकाना है। अब मैं बेसन 2 स्पून ऐड कर रही हूँ। इसे 1-2 मिनट तक फ्राई करना है। अब मैं धनिया पाउडर 3 स्पून ऐड करूंगी। अब मैं जीरा पाउडर 1 छोटी स्पून ऐड करूंगी। अब हल्दी पाउडर 1 छोटी स्पून ऐड करूंगी। लाल मिर्च पाउडर 1 छोटी स्पून ऐड करूंगी। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 छोटी स्पून ऐड करूंगी। अब मैं आमचूर पाउडर 1 छोटी स्पून ऐड करूंगी। अब मैं सौंफ पाउडर 2 स्पून ऐड करूंगी। उसे दरदरा ही रखे हैं। 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड करूंगी। मेथी 2 स्पून ऐड करूंगी। गैस को लो फ्लेम पे रखना है। इसे 2-3 मिनट तक फ्राई करना है, गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। अब 2-3 मिनट हो गया है। अब मैं इसमें सरसों का ऑयल ऐड करूंगी 2 स्पून और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। वन छोटी स्पून नमक ऐड करूंगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम दें। अब मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँ मसाले को। अब मैं बैंगन के अंदर मसाले को भर दूंगी। इसे अच्छी तरह से भर देना है। और इसे चारों ओर से अच्छी तरह से बंद कर देना है। मसाले को अच्छे से भरना है। इसी स्टेप में सारे बैंगन को भर लेना है। अब मैं इसे प्लेट में रख देती हूँ। सभी को इसी तरह से भर के रखना है। अब मैं लो फ्लेम पे पैन में ऑयल गरम कर ली हूँ। अब मैं एक एक करके सारे स्टेपनी को ऐड करूँगी और इसे चारों ओर उलट पुलट करके फ्राई करना है। ये 2 से 3 मिनट में फ्राई अच्छी तरह से हो जाता है। एक और फ्राई हो गया है। अब मैं सभी को दूसरी ओर पलट देंगी। इसे चारों ओर पलट करके अच्छी तरह से पकाना है। इसे चारों ओर अच्छी तरह से पलट करके
मैं फ्राई कर ली हूँ। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब एक एक करके सभी को मैं प्लेट में निकाल रही हूँ। अब सारे स्टेप में रेडी है, फ्राई हो चुका है। अब मैं ग्रेवी का तैयारी करूँगी। अब मैं बचे हुए ऑयल में 5 फोरन ऐड करूँगी। 5 फोरन का मतलब है सौंफ, अजवाइन, राई, जीरा, मेथी मिलकर के बनता है, इसलिए इसे 5 फोरन बोलते हैं। अब मैं बारीक कटा हुआ हरी मिर्च ऐड करूँगी और इसे 1 मिनट पकने देंगे। अब मैं प्याज का पेस्ट ऐड करूँगी। आप चाहें तो बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर सकते हैं। अब मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी। अब मैं इसे 1 से 2 मिनट तक फ्राई करूँगी। अब कलर थोड़े दूसरे जैसे हो गया है। अब मैं 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करूँगी, 1/2 छोटी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करूँगी, 1/2 छोटी स्पून सौंफ पाउडर ऐड करूँगी, 1/2 छोटी स्पून गरम मसाला ऐड करूँगी और सभी को मिक्स करूँगी, अच्छे से फ्राई करूँगी। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर ऐड करूँगी। अब सारे स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स कर देना है। अब मिक्स हो गया। अब मैं टमाटर का पेस्ट ऐड कर रही हूँ और इसे 2-3 मिनट तक फ्राई करेंगे। अब अच्छे से फ्राई हो गया है। अब मैं 1 कप पानी ऐड करूँगी। इसे 2-3 मिनट तक अच्छे से उबलने देंगे। अब 2-3 मिनट हो गया। अब मैं स्टेपनी को ऐड करूँगी। 1-1 करके सभी को ऐड करना है, धीरे से रखना है, नहीं तो ग्रेवी पड़ सकता है। अब मैं सारे स्टेपनी को ऐड कर दी हूँ। अब मैं इसे 2-3 मिनट उबलने के लिए छोड़ दूँगी। इसे कवर कर दूँगी। अब 2-3 मिनट हो गया है। अब मैं ओपन करके देखती हूँ। अब रेडी हो गया है हमारा भरवा बैंगन का सब्जी। अब मैं गैस के फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ। वाह, कितना अच्छा दिख रहा है ये, काफ़ी टेस्टी लगता है खाने में। आप इसे चावल, पराठे, चपाती के साथ खा सकते हैं। थोड़ा मेहनत लगता है लेकिन खाने में काफ़ी टेस्टी लगता है। अब आप इसे सर्व करें। आप देख सकते हैं कितना लाजवाब, मज़ेदार, टेस्टी दिख रहा है ये, खाने में भी काफ़ी टेस्टी लगता है। इसी के साथ मैं आपको मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के बेल को ऑल पर सेलेक्ट ताकि आने वाली वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर। बाय बाय।